डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 10 फिल्म मेकर करण जौहर, सुपरस्टार माधुरी दीक्षित और नौरा फतेही जैसे जजेस के साथ एक बार फिर से वापस आ गया है। इस साल झलक दिखला जा में रुबीना दिलैक, शिल्पा शिंदे और निया शर्मा समेत कई सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया है। एक्ट्रेस और बिग बॉस 11 के विनर शिल्पा शिंदे का भी भाभी जी घर पर है का एक बड़ा फैन फॉलोइंग है। झलक दिखला जा सीजन 10 के आने वाले एपिसोड दर्शकों के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि एपिसोड परिवार को डेडिकेटेड एपिसोड होने वाला है। झलक दिखला जा सीजन 10 के मेकर्स ने आने वाले एपिसोड का एक नया प्रोमो वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो क्लिप में शिल्पा शिंदे को रोते हुए देखा जा सकता है, जहां अपने ही परिवार के साथ अपने जीवन के अनुभव को बताते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और थोड़ी देर में एक्ट्रेस फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं कि परिवार वाले तब आते हैं जब कुछ अच्छा हो रहा होता है, वरना वे कभी सपोर्ट करने नहीं आते। ये बात शिल्पा शिंदे ने अपने रिश्तेदारों को लेकर कही है। इसके साथ ही जब परिवार में कुछ बुरा हो रहा होता है तो सभी काफी खराब और नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो सब शामिल होने आ जाते हैं। जहां एक तरफ शिल्पा शिंदे की बातें सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शिल्पा शिंदे के इस वीडियो के सामने आते ही नेटिजंस ने ट्रोलिंग की बारिश कर दी है, जहां उन्हें तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने शिल्पा शिंदे को ड्रामेबाज कहते हुए कमेंट किया है कि इमोशनल ड्रामा चालू हो गया शिल्पा जी का, तो वहीं दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि ड्रामेबाज। तो वहीं शिल्पा शिंदे का मजाक उड़ाते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि मेरी हंसी छूट गई। तो वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है ओवर एक्टिंग ऑफ करो यार। वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने शिल्पा शिंदे के रोने से परेशान होकर कमेंट किया है कि इसका रोना खत्म ही नहीं होती, बिग बॉस में भी रोती थी, अभी भी रो रही है। क्या हम आपको बता दें कि झलक दिखला जा सीजन 10 का ये फैमिली स्पेशल एपिसोड था, जहां शिल्पा शिंदे समेत कई और कंटेस्टेंट की दुख भरी कहानियां सामने आई हैं, जिसे आप एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद देख पाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल NDTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।